मैं देख रहा हूं कि यहां काफी संख्या में उस उम्र के लोग हैं जिस उम्र पर मुझे अकारण ही गांधी से घोर वितृष्णा हो गई थी और गांधी का नाम आता था और मुझे लगता था उफ ये क्या मेडिवलिस्ट ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट अंधविश्वासी हमारे किस काम का है ये आदमी। मैं जब बीए में था एमए में था मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं और मैं फिर आपसे कहूं कि ये अकारण था। ऐसा नहीं है कि मैंने गांधी के बारे में पढ़ लिया था और उसके आधार पर मुझे लगा कि तो बेकार के हैं हमारे किसी काम के नहीं है, बल्कि सच ये है कि इससे पहले गांधी के साथ मेरा बिल्कुल दूसरे तरह का रिश्ता था। मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं और मेरे बाबा गांधी के आंदोलनों में जेल भी जाते रहे थे, तो मेरी उम्र 7 साल से थोड़ी ज्यादा थी। हमारा बड़ा घर था, एक फाटक था, फाटक में से फिर आओ फिर एक आंगन पड़ता था। जो मुझे याद है वो मैं आपको बताऊं, आज भी जब मैं उसको याद करता हूं तो मैं विफल हो जाता हूं। मेरे लिए बताना मुश्किल होता है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कुछ तेजी से आंगन में दौड़ता हुआ आया और कहा कि गांधी जी की हत्या हो गई। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने उससे पहले कभी गांधी का नाम सुना था, जरूर सुना होगा लेकिन याद नहीं। और मैं रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। जनवरी का जाड़ा आप मुझे याद करें और वो पुराना जमाना, हीटर वीटर तो कुछ होते नहीं थे। और मुझे ये भी याद है कि वैसे ही सब सोए जितना सोए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई भूखा सोया, भूख मर गई थी। और मैं लिहाफ में सर ढके सिसक रहा था। ये मेरी पहली याद है गांधी की। बाद में तो ये भी अकारण था कि मैं रोने लगा, भूख नहीं सताई उस दिन, भूख ने नहीं सताया उस दिन। और उतने ही अकारण गांधी के प्रति वितृष्णा थी। तो जब आप लोगों को मैं देख रहा हूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि न जाने कितने आप लोग में से उसी मनस्थिति में होंगे गांधी को लेकर जिस मनस्थिति में मैं और मेरे वक्त के तमाम युवक और युवती थे। तो आपसे खासतौर से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपके मन में और दिमाग में जो भी हो, कृपा करके अगले 50-55 मिनट कम से कम मेरी बात पर तवज्जो थोड़ी दे दीजिएगा। बाद में जब मैंने गांधी पर थोड़ा गांधी को देखना पढ़ना शुरू किया तो और चीजों के साथ साथ एक चीज पता लगी कि मैं, मेरा परिवार और हमारा मोहल्ला कोई वाहिद नहीं था जहां चूल्हा नहीं जला। एक ब्रिटिश महिला का बयान मैं आपको बताऊं, गांधी 5:17 पर मारे गए थे, जाड़े में 5.5 घंटे का अंतर होता है इंग्लैंड और
हिंदुस्तान के वक्त में, तो ये महिला भोजन के लिए बैठी थी कि रेडियो पर उनको गांधी के मारे जाने की खबर, और ये अंग्रेज महिला जिनके देश से गांधी ने हमको आजादी दिलाई थी और वो खाना नहीं खा सके। न्यूयॉर्क की दो लड़कियों का मैंने बयान पढ़ा है, दो बहनें थीं, वहां सवेरे नाश्ते का वक्त था, उनको खबर मिली तो वो कहती है कि हमारे घर में उस दिन नाश्ता नहीं हुआ। तो कोई चीज थी गांधी में जो उनके बारे में जानो या न जानो खींचती थी। और आप लोग तो एक ऐसे विश्वविद्यालय में हैं जहां ह्यूमैनिटीज के साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया जाता है, तो आप लोग ऑस्मोसिस से परिचित होंगे कि ऑस्मोसिस से जिस तरह चीजें पहुंचती हैं, शायद पढ़ के भी उस तरह नहीं पहुंचती। कोई अद्भुत ऑस्मोसिस उस वक्त व्याप्त रही होगी जो गांधी का करिश्मा इस तरह से अपना असर दिखाता था। और आज मैं जिस स्थिति में अपने को पाता हूं गांधी के बारे में, वो स्थिति कुछ इस तरह है कि इतिहासकार होने के नाते मुझे सिखाया गया है संदेह करना। मेरी फितरत बन गई है कि मैं बात सुनता बाद में हूं, पढ़ता बाद में हूं, संदेह मुझे पहले होने लगता है। तो ये संशय, संदेह, ये अगर इतिहासकार के पास नहीं है तो कोई बड़ी कमजोरी उस इतिहासकार में। और एक पूरा टर्म है इतिहास में ही नहीं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस जनरल, खासतौर से ह्यूमैनिटीज में, जिसको कहते हैं हर्मेनोइटिक्स ऑफ सस्पिशन, कि जब आप किसी विषय का अध्ययन करें, उसकी मीमांसा करें, तो संदेह से चले। मैं शायद कह सकता हूं कि मैं पारंगत हूं संदेह करने में। सालों तक गांधी का अध्ययन करने के बाद अब मेरी स्थिति गांधी को लेकर यह है कि मैं गांधी के प्रति संदेह से शुरू नहीं करता हूं, मैं श्रद्धा और भक्ति से शुरू करता हूं। लेकिन गांधी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का एक खास मतलब होता है, वो भी मैं वाजे कर दूं आगे बढ़ने से पहले। और उस मतलब को हम एक किस्से की मार्फत बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक विदेशी महिला पत्रकार गांधी के सेवाग्राम में रह रही थी। शाम को वो कहीं से लौट रही थी ये महिला, और उनको ऐसा लगा कि कुछ अंधेरा होने लगा है। वो अपनी झोपड़ी तक, वहां तो सब हट्स कहलाते थे, कमरे थे, कि वो जाएंगी तो थोड़ी देर हो जाएगी, तो क्यों ना गांधी के झोपड़ी से, कमरा गांधी का, कि उससे अगर मैं चली जाऊं तो शॉर्टकट हो जाएगा, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो इस औरत ने कदम रखा ही था गांधी के कमरे में, एक कदम रखा था, कि उसको लगा कि गांधी सो गए हैं। अब वो धर्म संकट में, दुविधा में पड़ गई, एक कदम अंदर है एक कदम बाहर है, कि मैं अब आगे जाऊं और इनकी नींद डिस्टर्ब कर दूं या पीछे लौटाऊं।
तो उसने तय किया कि नहीं, अब जब मैं आई गई हूं तो मैं इस कमरे की तरफ से निकलूंगी। लेकिन चूंकि गांधी सो रहे थे तो वो दबे पांव चलने लगे, जिसको अंग्रेजी में टिपटो कहते हैं। गांधी सो नहीं रहे थे, उन्होंने देखा कि ये इतना टिपटो कर रही है। तो गांधी तो बड़े मजाकी आदमी थे, उन्होंने कहा व्हाट आर यू अप टू। तो उसने कहा ओ आई थॉट यू वर अस्लीप। तो उसने एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों आपके कमरे से निकल रही थी, बट व्हेन आई रियलाइज दैट यू वर अस्लीप आई डिसाइडेड टू टिपटो थ्रू योर रूम। अब जरा गौर करें कि गांधी कुछ सोते जागते की स्थिति में है, पहले से तैयार नहीं है। ये औरत कहती है कि आई डिसाइडेड टू टिपटो थ्रू योर रूम, और वो गांधी उससे कहती है दैट इज फाइन बट मेक श्योर दैट यू नेवर टिपटो टू माय मेमोरी, कि जब कभी मेरे बारे में लिखो, मुझे याद करो, मेरी बात करो, तो दबे पांव मत याद करना। तो मैं गांधी का अगर भक्त हूं, गांधी के प्रति अपार श्रद्धा है, तो ये उस व्यक्ति के प्रति अपार श्रद्धा है जिसने कहा नेवर टिपटो टू माय मेमोरी। तो भले ही आपको अब अगले 45 मिनट यही लगे कि तो गांधी का भाण बोल रहा है, आप यकीन मान लीजिएगा कि ठोक बजा के इस आदमी ने उस बुड्ढे को देखा है और आज भी देख रहा। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, जो असल बात है। मेरी पत्नी और मेरे मित्र मुझे प्रॉफिट ऑफ डूम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रॉफिट ऑफ डूम, निराशा का दूत आपके सामने बोल रहा है, और निराशा का दूत गांधी का भक्त। गांधी की यहां निराशा तो थी ही नहीं। मैं जिस वक्त की अब बात करने जा रहा हूं, उस समय सिवाय निराशा और हताशा के गांधी के पास कुछ नहीं था, जैसा कि आप अभी देखेंगे। लेकिन उस हताशा में भी गांधी ने आशा नहीं छोड़ी, वो भी अभी आप देखेंगे। तो मैं निराशा का दूत इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि गांधी के प्रति हमारी अपार श्रद्धा है, और उस अपार श्रद्धा के चलते हम गांधी को याद कर रहे हैं। कोई श्रद्धा वृद्धा हमारे मन में गांधी के लिए नहीं बची है। जो भी श्रद्धा गांधी के लिए बची है, उसका एक जो बुनियादी कारण है वो ये है कि अब जबकि हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो हमको ये लगता है कि गांधी जैसे महान व्यक्ति को अपना बताकर हम अपनी नैतिक पूंजी बचाए रख सकते हैं। ये हमारा स्वार्थ है। गांधी को हमने नकार दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं है आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, जहां के हम कह सकें कि ये है गांधी का जो हमने माना है। कुछ भी नहीं है। लेकिन गांधी का नाम इतनी बड़ी नैतिक पूंजी हमारे लिए है, हम गांधी के उत्तराधिकारी बने रहना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट के लिए, मॉरल कैपिटल के लिए। और गांधी के साथ जो हमारा रिश्ता आज है, उसको एक उड़िया कवि, हमारे बड़े प्रख्यात कवि हैं जयंत महापात्रा। जैन महापात्रा ने अपनी एक कविता में दो पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको बता दूं। वो दो पंक्तियां हैं गांधी
को लेके कहते हैं, वी लव हिम, वी हेट हिम, वी डू नॉट नो इट। तो ये सिलसिला गांधी के अस्वीकार का, नकार का, कोई आज नहीं, कोई नई चीज नहीं, इसका पूरा एक इतिहास है। उस इतिहास का आप में से काफी लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि 1915 में गांधी हिंदुस्तान आए, दक्षिण अफ्रीका में अपनी सफलता प्राप्त के बाद 1915 में गोखले ने, जिनको वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उन्होंने कहा कि देखो तुम एक साल हिंदुस्तान देखो, उसके बाद कुछ काम करने की सोचना। तो गांधी एक साल सार्वजनिक मौन बरतते हैं और फरवरी 1916 में पहली बार वो बोलते हैं नागरी पहचानी सभा में 5 फरवरी को, और दूसरे दिन बीएचयू के फाउंडेशन लिंग सेरेमनी पर। तो 2 दिन वो बनारस में भी इनका, उनकी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी शुरू होती है हिंदुस्तान। तो गांधी ने कहा दक्षिण अफ्रीका की अपनी सफलता के बाद कि मैं हिंदुस्तान में भी अपना सत्याग्रह का परीक्षण शुरू करूंगा। और लोगों ने मजाक बनाया गांधी का, खिल्ली उड़ाई कि ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा देश है, इसकी अपनी समस्याएं हैं, यहां सत्याग्रह नहीं चलेगा। 1916 और 1918 में रॉलेट सत्याग्रह अप्रैल 1918 गांधी ने शुरू कर दिया। 1920 में गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया 1920 से 22 तक। और आप सब जानते हैं कि चाहे रॉलेट सत्याग्रह हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, कितने लोग गांधी के पीछे हो लिए। 1922 में चौरी चौरा हुआ, चौरी चौरा कांड, यहाँ के वो पुलिस थाना, पुलिस चौकी जला दी गई, लोग जिंदा जला दिए गए और गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। और लगभग सारी की सारी, मैं लगभग कह रहा हूं, लगभग सारी की सारी कांग्रेस गांधी के खिलाफ हो गई कि भाई अगर एक हिंसा की वारदात की घटना हो जाए और आप आंदोलन वापस ले ले तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। और उसके बाद देखिए क्या हुआ देश में। 1922 से लेके 1929 तक गांधी की कोई खास हैसियत कांग्रेस में नहीं थी। लोगों ने स्वराज पार्टी बना ली, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, और ऊपर से गांधी के समर्थन में। कहते हैं कि गांधी तो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, हम इस असहयोग आंदोलन को असेंबली में ले जाएंगे कि अंग्रेजों ने जो हमको अब इतनी ये प्रावधान किया है कि अब हम असेंबली में जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम चुनाव लड़ेंगे, असेंबलियों में जाएंगे और असेंबली में जाके हम असहयोग करेंगे। अब ऐसे तो भाई असहयोग होता नहीं है। तो गरज यह कि 7 साल गांधी बाहर रहे, लाहौर कांग्रेस होता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है और नमक आंदोलन गांधी शुरू करते हैं। और फिर एक बार अगर आपको याद हो, गांधी का बोलबाला होता है। 32 के बाद गांधी का फिर सिक्का चलना बंद हो जाता है और 42 में जाके
अगर आप लोगों को फिट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास थोड़ा भी याद हो तो आप देखेंगे कि 8 अगस्त को जब ये प्रस्ताव बंबई में पारित होता है, भारत छोड़ो आंदोलन वाला, उससे हफ्ते 10 दिन पहले तक कांग्रेस का ये रुख नहीं तय था कि वो गांधी के साथ जाएगी या अंग्रेज अगर उनकी बात मान लेते हैं तो उनके साथ फिर से सरकार नहीं बना लेगी। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि गांधी जो 32 साल हिंदुस्तान में रहे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, इन 32 सालों में गांधी जितना राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उतना ही उस नेतृत्व से बाहर भी रहते थे। तो ये ज्वार भाटा गांधी के जीवन में चलता रहता है जहां तक उनके सार्वजनिक जीवन का सवाल है। तो कोई ऐसा, वो जो 32 साल थे, आज हम ऐसा याद करते हैं गांधी को जैसे कि बस हम गांधी के समर्थक थे, गांधी आवाज देते थे और हम पीछे चल देते थे। कभी ऐसा नहीं था। बस फर्क ये हुआ कि उन 32 सालों में गांधी निकलते थे या निकाले जाते थे और फिर आ जाते थे। 47 में जो निकाले गए तो पूरी तरह निकाले गए, जिसको मैं कहता हूं, आप लोगों को ये बहुत तल्ख लग सकता है कि दूध की मक्खी की तरह गांधी हमारे सार्वजनिक जीवन से निकाल दिए गए। यहां से गांधी के दुखों की, उन दुखों की शुरुआत होती है जिनकी मैं आज बात कर रहा हूं। गांधी के बहुत दुख है लेकिन मैं उन दुखों की बात कर रहा हूं जो स्वतंत्रता प्राप्ति जब निश्चित हो जाती है उस समय से शुरू होते हैं और उनके मारे जाने तक चलती है। तो गांधी के दुख हैं क्या? लगे हाथ, ये भी आपको याद दिला दूं, ये एक ऐसा तथ्य है हमारे इतिहास का जो सबको मालूम है। ये तथ्य हमको सबको मालूम है लेकिन ये हमारी चेतना का अंग नहीं हुआ है ये तथ्य। और वो तथ्य ये है कि गांधी विदेशी हुकूमत से लड़ते रहे और कभी उनके जीवन को कोई खतरा विदेशी हुकूमत से नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि उनको जेल में डाल दिए गए। उन 32 सालों में गांधी को कोई अंग्रेजी सरकार से खतरा नहीं हुआ लेकिन आजाद हिंदुस्तान, जिसको राष्ट्रपिता कहता है अपना, उस राष्ट्रपिता को केवल 5.5 महीने जिंदा रख पाया, 169 दिन। तो जो मैं कह रहा हूं इस पर गौर करिए कि ये तथ्य हम सबको मालूम है। 15 अगस्त से 30 जनवरी तक के दिन गिन लीजिए, 169 दिन होंगे, हम सब जानते हैं। भले ही 169 ना जानते हो, 5.5 महीने तो जानते हैं लेकिन ये हमारी चेतना का अंग नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है। कि जिसको राष्ट्रपिता कहते हो उसको 5.5 महीने जिंदा रख पाते हो, एक बात। दूसरे, इस भ्रम में हम न रहें कि गांधी को नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने मारा। गांधी 30 जनवरी से पहले कई बार मारे गए और 30 जनवरी 1948 के बाद तो बार बार मारे जा रहे हैं। और मैं उस मारे जाने की बात केवल अलीगढ़ जैसे कांड की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी आपको संतोष नहीं है, मार दिया एक बार उसको, अब आपको रीएनेक्ट करना पड़ता है और आप कहते हैं कि हम हर साल ये करेंगे। तो
रामलीला की तरह अब एक दूसरी लीला भी 30 जनवरी को कौन जाने इस देश में शुरू हो जाए। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी होगी और ये अपने आप से पूछना होगा कि ये आदमी जो कि 125 साल जीने की इच्छा रखता था, वो 125 साल जी के सेवा करना चाहता था, उसने अपने आखिरी दिनों में ये इच्छा क्यों तज दी। 19 जून 1947 आखिरी दिन है जिस दिन गांधी 125 साल जीने की कामना व्यक्त करते हैं। उसके बाद से वो मरने की कामना करने लगते हैं। केवल एक दिन की मैं आपको याद दिला रहा हूं और वो दिन है 2 अक्टूबर 1947। उस दिन का प्रार्थना प्रवचन सुनिए। भाइयों और बहनों, आज मेरा जन्मदिन है तो इसमें खुशी की क्या बात है, ये तो मातम का दिन है। मैं कभी 125 साल जीना चाहता था, अब 100 भी नहीं, 90 भी नहीं, 78 पूरे करके 79 में मैं प्रवेश कर रहा हूं और वह भी मुझको चुभता है। अगर गांधी अपने जन्मदिन पर यह कहते हैं कि मुझको चुभता है, क्या चुभता है कि मैं अभी भी यहां पड़ा हूं, ये पड़ा हूं, ये गांधी के शब्द कि मैं अभी भी यहां पड़ा हूं, तो क्या हुआ या क्या हुआ होगा कि गांधी अब मरने की इच्छा कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर उसको मुझसे कोई और काम नहीं कराना है तो वो मुझको उठा ले। इसमें भी देखिए, अगर उसको मुझसे कोई और काम नहीं कराना है तो मुझे उठा। 5 दिन बाद जो लोग आए हैं उनको सुनने, उनसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं कि वो मुझे जल्दी उठा ले। तो अगर गांधी जैसा आदमी जीने की इच्छा छोड़ दे, प्रार्थना करे कि बस ईश्वर हे राम तू मुझे उठा ले, तो ये भी तो मरना ही है, सिवाय इसके के 30 जनवरी को शरीर भी नहीं रहा। मन से तो वो मरने ही लगे थे। अब उनके दुख सुनिए। पहला बड़ा दुख गांधी को 1945 के अंत में पहुंचा। हिंदुस्तान आजाद होने जा रहा ये तय हो गया था, नेहरू गांधी के वारिस होंगे ये गांधी ने खुद ही घोषणा कर दी थी, कांग्रेस भी मान गई थी। तो गांधी ने एक चिट्ठी लिखी 5 अक्टूबर 1945 को नेहरू के नाम। आप लोग यकीन मानिए कि केवल इस चिट्ठी के बाद घंटे भर की जा सकती है। चिट्ठी है चिरंजीव जवाहरलाल। अब जबकि हिंदुस्तान की आजादी तय है तो मैंने सोचा, पहले तो यह कि कई दिन से सोच रहा हूं तुमको लिखूं, वगैरह वो सब मैं आपको नहीं बता रहा, कि अब जबकि हिंदुस्तान की आजादी तय है तो मैं चाहता हूं कि मैं तुमको, अपने वारिस को ये बताऊं कि मेरे सपनों का हिंदुस्तान कैसा है, ताकि अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई मतभेद है तो हमको पता लगे और लोगों को भी पता लगे। अब जरा गौर करिए, लोगों को भी पता लगे, हमारे आजकल सरकार कैसे चलती है, लोगों को पता ना लगे कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। गांधी कह रहे हैं कि लोगों को भी पता लगे। पारदर्शिता की बात हम बहुत करते हैं सरकार में और प्रशासन केवल बात करती है, गांधी कह रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए।
और फिर वो कहते हैं कि दरअसल ये बात मैं हिंद स्वराज में पहले ही कह चुका हूं, और गांधी ये भूल जाते हैं कि हिंद स्वराज उन्होंने 1909 में लिखा था, और वो कहते हैं कि 1908 में मैं ये पहले ही लिख चुका हूँ हिंद स्वराज में, और फिर कहते हैं कि लेकिन देखो मेरे पास इस वक्त हिंद स्वराज है नहीं, यानी कोई प्रति नहीं है हिंद स्वराज की, और अच्छा ही है कि मेरे पास नहीं है, आखिर ये सिद्ध करना तो है नहीं कि मैं वही बात कह रहा हूं या नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूं वो ये है। अब क्या कह रहे हैं गांधी कि उनके सपनों का भारत जो होगा उसका बुनियादी यूनिट, बुनियादी इकाई गांव होगा, आत्मनिर्भर गांव, ये हिंद स्वराज में पहले ही कह चुके हैं गांधी, और फिर वो उनके गांव का वर्णन होता है, तो गांव के वर्णन के बाद गांधी कहते हैं इस पर गौर करिएगा, और तुम ये ना समझना कि मैं आज के देहात की बात कर रहा हूं, गांधी शब्द इस्तेमाल करते हैं देहात, ये मत समझना कि मैं आज के देहात की बात कर रहा हूं, मैं अपने सपनों के देहात की बात कर रहा हूं, हर आदमी को हक होता है सपने देखने का, अब इस तरह ये चलता है, और एक बहुत ही कमाल की बात गांधी कहते हैं जो कि हिंद स्वराज में नहीं है बल्कि हिंद स्वराज से उल्टी जाती है, गांधी कहते हैं इस चिट्ठी में कि मैं ये मानता हूं कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि बड़े पैमाने पर पैदा करनी होंगी, हैवी इंडस्ट्रीज भी होंगी यानी बड़े पैमाने पर पैदा करनी होंगी, लेकिन मसलन रेल होगी, कार होगा, अब जरा अगर आपको हिंद स्वराज याद हो तो रेल के खिलाफ कितना गांधी बोल रहे हैं, अस्पताल के खिलाफ कितना गांधी बोल रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि, और फिर कहते हैं कि मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो वक्त तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, और फिर वो एक बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं कि असल बात है असल चीज को समझ लेना, वो चीज कहते हैं, चीज नहीं कहते, जो असल चीज है अगर उसको हमने पकड़ लिया तो फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो रेल होगी और अस्पताल होंगे और पार्लियामेंट होगी, तो ये वक्त तय करेगा। इस बात पर मैं जोर इसलिए भी दे रहा हूं कि अगर आप कभी हिंद स्वराज पढ़ें और आपको उबन हो, उबकाई आए कि ये हो क्या रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि गांधी का असल मंतव्य क्या है, असल चीज वो क्या कह रहे हैं, और उस पर वो ऐसे नहीं टिके हैं कि बस जो मैंने 1909 में लिख दिया बस अब यही लिख दिया, असल चीज अगर समझ लो तो उसमें बहुत फेर बदल भी हो सकती है, जैसा कि इस चिट्ठी से जाहिर होता है। 9 अक्टूबर को नेहरू का जवाब आता है अंग्रेजी में कि मैं दौरे पर गया हुआ था, अभी आया, अभी आपकी चिट्ठी देखी है, और मैं तुरंत एक छोटा जवाब आपको दे रहा हूं, लंबा जवाब बाद में दूंगा, और ये चिट्ठी आप लोग जरूर पढ़िएगा गांधी की, और गांधी की जो हो संभव हो तो अंग्रेजी का अनुवाद ना पढ़िएगा, उनका हिंदुस्तानी पढ़िएगा, और नेहरू इस चिट्ठी में, वो लंबी चिट्ठी है जो मुख्तसर लिखने जा रहे थे, लंबी चिट्ठी है, गांधी की चिट्ठी से भी बड़ी चिट्ठी है, और उसमें गांधी के हिंद स्वराज के सपने के भारत को नेहरू खारिज कर देती है, और खारिज करते वक्त जो तमाम बातें कहती हैं उनमें दो बातें गौर करने की हैं, खास तौर से गौर करने की हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक ये कि नेहरू कहते हैं
What do you mean by making village the basic unit? Village where there is disease? Village where there is superstition? Vagaira vagaira keke. Villages are by definition backward looking. गांधी वो सिरे से ही भूल जाते हैं कि गांधी तो अपने सपनों के देहात की बात कर रहे हैं, और दूसरा वो कहते हैं कि हम तो समझ रहे थे कि आपने हिंद स्वराज तर्क कर दिया है, छोड़ चुके हैं आप हिंद स्वराज, और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि अब आप हिंद स्वराज की बात छेड़ बैठे। और जो भी है, ये आप और मैं तो नहीं तय करेंगे कि हमारे सपनों का कौन सा भारत होगा, ये तो जो प्रतिनिधि जनता के चुन के आएंगे वो तय करेंगे। अब जरा गौर करिए कि ये फैसले क्या प्रतिनिधि करते थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या करती थी? तो गांधी कह रहे हैं कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग में चलो ये डिस्कस करें। नेहरू कहते हैं कि आप और मैं कौन होते हैं ये तय करने वाले। और कहानी चलती है 12 नवंबर 13 नवंबर को ये कहानी पूरी हो जाती है। 5 अक्टूबर से 13 नवंबर उस कहानी के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं और समय नहीं है, जाना चाहता हूं लेकिन समय नहीं है। गरज ये कि गांधी के सपनों का जो भारत था उसको आजादी आने से पहले ही त्याग दिया गया। और आज स्थिति ये है कि उसकी बात भी आप नहीं कर सकते। और विडंबना ये है कि 1947 के मुकाबले में आज 21वीं सदी में और ज्यादा ये जाहिर हो गया है कि संसार जिस रास्ते पर चल रहा है, जहां नाम विज्ञान का भले ही लिया जा रहा हो, असल चीज टेक्नोलॉजी हो रही है, जिस रास्ते पर मानवता चल निकली है, क्या ये सस्टेनेबल है? लाख हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, रास्ता वही होता। छोटे छोटे परीक्षण होते हैं, आपके यहां जो रिक्शा चल रहा है वो भी एक बड़ा परीक्षण। तो छोटे छोटे इस तरह के परीक्षण करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर हम तैयार नहीं है। हम खुद अपनी आवश्यकताओं में कोई कटौती नहीं करना चाहते। आपको याद होगा एक जमाने में कहा जाता था, और बड़े गर्व से लोग कहते थे, और कोई उनको इसको लेके परेशानी नहीं होती थी, कैसे कहते हैं ये कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। अब मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, तो वो जो चाहो करो, प्रकृति का दोहन करना है करो, प्रकृति है मैन के लिए, मानव के लिए, इंसान के लिए। और हमारे देखते देखते स्थिति ये आ गई है दैट मशीन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। तो हम किस संकट से गुजर रहे हैं ये आज 1947 या 45 से कहीं ज्यादा स्पष्ट हमारे सामने है। और फिर भी गांधी के हिंद स्वराज की संभावना ना वत है। भाई गांधी के जीते जी गांधी उतने प्रासंगिक नहीं लग रहे थे जितने कि आज लग रहे। लेकिन सवाल हमारे सामने गांधी की प्रासंगिकता का नहीं है, हमारे सामने सवाल है गांधी की संभावना का। क्या गांधी संभव हैं? और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आप गौर करें इस बात पर कि हम एक
प्रचंड विरोधाभास को जी रहे हैं इस वक्त। विरोधाभास केवल आभास भी नहीं होता है, वास्तविक विरोध भी होता है। तो मैं उस अर्थ में विरोधाभास का इस्तेमाल कर रहा हूं। हम जिस विरोध में जी रहे हैं इस समय, वो विरोध कुछ इस तरह है कि संसार को गांधी की आप अहिंसा नाम देना चाहें, अहिंसा कह लीजिए, संसार को अहिंसा की, गांधी की कभी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी कि आज है। और संसार कभी गांधी के लिए, अहिंसा के लिए इतना गैर तैयार नहीं था जितना कि आज है। तो प्रश्न प्रासंगिकता का उतना नहीं है जितना कि गांधी की संभावना का है। ये एक बात। दूसरे, करीब 5-7 मिनट और मेरे पास है, दूसरे जिन चीजों का आज हम रोना रो रहे हैं अपने समाज, अपनी राजनीति में, ये सब कुछ गांधी ने अपने वक्त में देख लिया था, उन्हीं 5.5 महीनों। और किस हद तक देख लिया था उसका अंदाजा आप उन 2-3 वाक्यों से लगा लेंगे जो मैं अभी कोट करने जा रहा हूं। गांधी कहते थे कि मुझे देश में बू आ रही है। 1947 में गांधी को देश में बू आने लगी थी। गांधी कहते थे, किसी ने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं? उनका कि इस देश में आज क्या हो रहा है जो कि मैं खुश हो सकूं। तो अगर गांधी को बू आने लगी, गांधी को ये लगने लगा कि कुछ भी तो इस देश में ऐसा नहीं हो रहा कि मैं खुश हो सकूं, तो कुछ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा होगा। एक दिन गांधी अपनी प्रार्थना सभा में कहते हैं कि मेरे पास 2 खत आए हैं, एक युवक का और दूसरा आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी का। दोनों सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार अगस्त 15 से 30 जनवरी 48 के बीच में, और फिर बाकायदा वो वर्णन करते हैं भ्रष्टाचार का कि कैसे नेताओं के, मंत्रियों के बच्चे, रिश्तेदार इस फिराक में हैं कि पैसा बनाया जाए। गांधी कहते हैं कि देश के बनो, देश को अपना न बनाओ। तुमने तो देश को अपनी मिल्कियत समझ लिया है। और एक दिन तो गांधी वो किस्सा भी सुना देते हैं, वो आप लोगों ने सबने, हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं, सब आपने भी बचपन में ही सुना होगा, वो जो सोने के अंडे देती थी मुर्गी। तो गांधी कहते हैं कि देश को तो तुमने सोने की मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया है और उसको मारने पे आमादा हो। हम सोच सकते हैं कि गांधी को भ्रष्टाचार परेशान करने लगा था। तो गांधी के दुखों का अंत नहीं था, वो अपार दुख थे। अहिंसा की विफलता गांधी ने अपने जीते जी देखी। और ये अंतिम बात मैं गांधी के दुख की करूंगा, दुख और भी है लेकिन वो फिर वो गांधी वाली बात कहूंगा। अगर असल चीज हम समझ जाएं तो सब समझ जाएंगे।
अलग अलग दुखों का वर्णन उतना जरूरी नहीं है जितना कि गांधी जो देख रहे हैं उसको समझना। तो गांधी का एक बहुत बड़ा दुख था अहिंसा की विफलता। और मैंने जिस नैतिक पूंजी की बात की थी, ये प्रश्न उस नैतिक पूंजी से भी जुड़ जाता है। हम मानते हैं कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन अहिंसक आंदोलन था और हमने संसार को एक नया रास्ता दिखाया संघर्ष करने का। ये चाहे आम आदमी की बात हो चाहे विद्वानों की बात हो, सब ये मानते हैं कि हमारा आंदोलन अनूठा आंदोलन था, इससे मतलब कि वो अहिंसक था। गांधी अपने आखिरी दिनों में इस निष्कर्ष पर आए कि हमारा आंदोलन अहिंसक था ही नहीं। और मैं गांधी के शब्दों में ये बात बयान करना चाहता हूं। गांधी ने कहा कि अब मैं देख रहा हूं कि हमने जो किया वो सत्याग्रह नहीं था, वो मंद विरोध था, निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। और गांधी ने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर की अहिंसा होती है, जबकि सत्याग्रह बहादुर की अहिंसा होती है। कमजोर की अहिंसा का मतलब ये कि आपके अंदर तो हिंसा उबल रही है लेकिन आप अपने को विवश पाते हैं, मजबूर पाते हैं, और मजबूरी में अपनी हिंसा को अपने अंदर दबा लेते हैं। तो गांधी ने कहा कि हम 30 साल तक उस हिंसा को अपने अंदर दबाए रखे। क्यों दबाए रखे? उन्होंने कहा बकॉल एनी पेशेंट, एनी पेशेंट का के हवाले से वो कहते हैं कि जब हम जानते थे कि अंग्रेज रोड़े का जवाब गोली से देगा, वो है ना ईंट का जवाब पत्थर, तो कहते हैं कि रोड़े का जवाब गोली से देगा अंग्रेज, तो उस अंग्रेज के डर के मारे हमने अपनी हिंसा अपने अंदर दबा ली। अब जबकि अंग्रेज का डर खत्म हो गया है तो हम उस हिंसा को एक दूसरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये भी पूछ, तार्किक आदमी है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये 32 साल तक क्या हो गया, तुम क्यों नहीं देख पाए? और जवाब देते हैं कि ईश्वर को जब किसी से कोई बड़ा काम कराना पड़ता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। अब मेरी पट्टी खुल गई है। तो गांधी ने तो पता नहीं क्या क्या देखा। और इसी हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में एक बिल्कुल ही अंतिम बात, पाकिस्तान बन गया, गांधी ने तो कहा था कि मेरी लाश पर बंटवारा होगा। और हमारा ये है कि हम गांधी के बारे में कुछ जाने या न जाने दो बातें सब जानते हैं। एक ये कि गांधी ने कहा था कि मेरी लाश पर बंटवारा होगा और वो जाने दिया बंटवारा, नहीं किया अमरण अनशन, रोक सकते थे लेकिन रोका नहीं। तो हम विभाजन के लिए भी, देश के विभाजन के लिए भी गांधी को उत्तरदायी मानते हैं, ये आम धारणा है। और दूसरी बात जो हम सब गांधी के बारे में जानते हैं, उनके ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स, और कुछ जानो या न जानो गांधी के बारे में, न विभाजन के बारे में हमने कभी कोशिश की जानने की कि वाकई गांधी का तर्क क्या था, क्यों मान लिया उन्होंने, और न उनके ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स की हकीकत को समझने की कोशिश करते। तो गांधी ने कहा कि आज विभाजन को कोई रोक नहीं सकता,
क्योंकि आप सब विभाजन चाहते हैं। लीग तो चाहती थी, कांग्रेस भी चाह रही है और आम लोग भी चाहते हैं। मैंने जब इसका विरोध किया तो इस उम्मीद में विरोध किया था कि लोग मेरे साथ खड़े होंगे। और इसके बाद वो कहती हैं, अब जबकि मैंने विभाजन मान लिया है तो मेरा एक फर्ज बनता है, और वो फर्ज है कि विभाजन जिस मकसद के लिए किया जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, उस मकसद को हासिल किया जाए। और वो मकसद क्या है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हिंदू मुसलमान शांतिपूर्वक भाईचारे से रहे। भाई 47-53 वो 72 साल हो गए हैं, विभाजन का मकसद हमने हासिल किया है। समस्या और गंभीर हमने कर दी। और क्या किया गांधी ने कि वो जिस पर के लांछन लगाए जा रहे थे कि अब तुम्हें जान प्यारी हो गई, नहीं कर रहे आमरण अनशन, उस आदमी ने जिस पर लांछन लगाए जा रहे थे कि इसको जान प्यारी है, उसने उन 5.5 महीनों में 2 बार आमरण अनशन किया सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए। और उसको भी भाई लोग याद करते हैं कि 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए गांधी ने उपवास किया। एक छोटी सी बात आपको गांधी के उस उपवास की बताऊं, जो दिल्ली में उन्होंने 13 जनवरी से 18 जनवरी तक किया था। किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या ये सही नहीं है कि आपका ये उपवास हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है। अब इस सवाल से ही आप समझ लीजिए कि वो सवाल नहीं पूछ रहा है, वो आलोचना कर रहा है, लांछन लगा रहा है, भर्त्सना कर रहा है गांधी की। गांधी ने जवाब दिया, हाँ मेरा ये उपवास हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए है, लेकिन मेरा ये उपवास पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए भी है। जैसे मैं चिंतित हूं यहाँ के मुसलमानों के लिए, उतना ही चिंतित हूं पाकिस्तान के ईसाइयों, सिखों और हिंदुओं के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर यहाँ शांति स्थापित होती है, मेरा अनशन सफल होता है, तो पाकिस्तान में इसका प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे पास समय नहीं है कि पाकिस्तान में इसके प्रभाव की मैं बात कर सकूं। और गांधी ने कहा कि देखो भाई, दोनों अगर शांति से नहीं रहते, दोनों एक दूसरे को स्वर्ग में नहीं बनाने की कोशिश करते, तो ये मुमकिन नहीं है कि एक स्वर्ग बने और दूसरा नर्क हो जाए। अगर एक नर्क बन रहा है तो दूसरा भी नर्क बनेगा ही बनेगा। और उन्होंने कहा, अब बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, और उन्होंने कहा कि आपको तय करना होगा कि आप अपना पैसा काहे पे लगाते हैं, सेहत पे लगाते हैं, शिक्षा पे लगाते हैं, या दिया सलाई और बारूद खरीदने पर लगाते हैं, बंदूक और तोप खरीदने पर लगाते हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो वो भी वही करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप तो अपने तोप और बारूद और बंदूकें लेते जाएं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और दोस्तों इस पर गौर करें, जब गांधी ये सब कह रहे हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी हो चुके, दो नगर एटम बम बर्बाद कर चुका है और गांधी देख चुके हैं। लेकिन गांधी को भूले तो थे ही बेचारे, बहुत ही शातिर थे लेकिन भूले भी थे। इतने भूले थे कि उनको अपने लोगों पर ये विश्वास था कि वो तोप और बंदूक पर रुक गए। उन्होंने ये नहीं कहा
फिर क्या एटम बम बनाओगे? थैंक यू।